রাজধানী নতুন দিল্লির ভিডিও এই এই ভিডিওতে দেখা গৈছে এখন গাড়ির তলত পড়ি আছে এগৰাকী যুবতীৰ ভিতৰতে আসলতে যুবতীগৰাকী খুন্দিয়াইছিল গাড়ীখনে ইয়াৰ পিছত যুবতীগৰাকীৰ খুৰি লাগি গৈছিল গাড়ীৰ চকাৰ তলত আৰু এইদৰে চকাৰ তলত থকা অৱস্থাত যুবতীগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত কঢ়িয়াই আনিছিল গাড়ীখনে এই ভিডিঅৰ চিচিটিভি ইতিমধ্যে সমুখলৈ আহিছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্র রাজধানী দিল্লি তুলপার হয়ে পড়েছিল দিল্লির গাড়ির দলের যুবতীর অনেক ভিডিও সম্মুখলে আহিছে এই যুবতীর সঙ্গে আন এগারী যুবতীয় সঙ্গ দিছিল দুই যুবতী নববর্ষের নিশা এখন হোটেল বুক করেছিল হোটেলের ভিতর কাজিয়া লাগিছিল দুইরে মাজত এই হোটেল খনক মন কর ওলার হোটেল এখন নববর্ষের নিশা উদযাপন করার উদ্দেশ্যে দুই যুবতীয় এই হোটেলের একটা কোঠা বুক করেছে নিশা হোটেলের ভিতর দুই যুবতীর কাজিয়া প্রথমে একেলগে সুরাপান করে দুয়ে পরবর্তী সময় দুইরে মাজত কাজিয়া লাগে পিছত দুইজন কোঠার পর উলায়ে फिर वो लड़की थी दोनों लड़कियां थी वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी आपसी में लड़ रहे थे वो अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो अब मैं आसपास के गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे दोनों लड़कियां थी उनके साथ कोई और भी लोग और कोई नहीं था बस वो दोनों वही दो थी दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी हाँ जी किस बात पे लड़ाई हुई अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे उनके आपसे पर्सनल मैटर आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा स्मेल आ रही थी उनके मुझे स्मेल आ रही थी अच्छा फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था सर 9 बजे के बाद हाँ काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा शांत होता रहा फिर लड़ते रहे शांत होता रहा ऐसे चल रहा था उनको ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी हाँ एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए फिर वो आ गई थी वापसी फिर उसके बाद वो चली गई होटल और बाहर और सीसीटीवी फुटेज सम्मुख आई सीसीटीवी फुटेज तो देखा गई से এখন স্কুটিত উঠার পূর্বে দুই যুবতীর কাজিয়া লাগিছে পরবর্তী সময় দুয়ো স্কুটিত উঠি গৈছে কিন্তু দেখা গৈছিল পরবর্তী সময়ত ইয়াৰে এগৰাকী যুবতী গাড়ির তলত পৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীৰ মতে দ্বিতীয়গৰাকী যুবতী ইতিমধ্যে সাক্ষী দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ইনসিডেন্ট হোৱা থা উস টাইম পৰ ডিসিজড কে সাথ এক অৰ লড়কি থি অৰ উসকে মুতাবিক ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा बहुत एक वो विचार है एक हत्याकांड समग्र विषय तो तदंत कर आरक्षी बाहिनी ब्यूरो रिपोर्ट एनबी न्यूज़